नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कमांड लाइन आर्गुमेंट्स के बारे में। आज आप इस वीडियो में सीखेंगे कि कमांड लाइन आर्गुमेंट्स क्या होते हैं, वो कैसे वर्क करते हैं और जानेंगे कमांड लाइन आर्गुमेंट्स की प्रॉपर्टीज के बारे में, ठीक है। और इन सबको मैं एक प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल के थ्रू आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आप ये समझ सकेंगे कि कमांड लाइन आर्गुमेंट्स को हम सी प्रोग्रामिंग में कैसे यूज करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। दोस्तों, कमांड लाइन आर्गुमेंट्स वो आर्गुमेंट्स हैं या वो वैल्यूज हैं जो आप सी प्रोग्राम को कमांड लाइन पे पास करते हैं, और उसी के जब आप सी प्रोग्राम को एग्जीक्यूशन के लिए कॉल करते हैं एक कमांड के थ्रू, और उस कमांड पर अगर आप कोई वैल्यूज पास कर देते हैं तो उन्हीं वैल्यूज को हम कमांड लाइन आर्गुमेंट्स कहते हैं। दोस्तों, इन कमांड लाइन आर्गुमेंट्स को हैंडल करने के लिए हमें मेन फंक्शन में दो आर्गुमेंट को डिफाइन करना है, ठीक है। मेन फंक्शन ही कमांड लाइन आर्गुमेंट्स को हैंडल करता है, लेकिन उसके लिए मेन फंक्शन में हमें दो आर्गुमेंट्स को डिफाइन करना है। जानते हैं वो कौन कौन से हैं। पहला आर्गुमेंट है इंटीजर टाइप, जिसका हमने नाम लिया है आर्ग सी, आर्गुमेंट काउंटर। और दूसरा जो आर्गुमेंट है वो है करेक्टर टाइप एक एरे, जिसका नाम है आर्ग वी, आर्गुमेंट वेक्टर। आर्ग सी क्या करता है? काउंट द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स पास्ट। तो कमांड लाइन पे आपने जितने भी आर्गुमेंट पास किए हैं ये उनको काउंट करता है। आर्ग वी एरे जितने भी आर्गुमेंट आपने पास किए हैं ये उन सभी को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। ये आर्ग सी और आर्ग वी जो मैंने नाम लिए हैं आर्गुमेंट्स के, इसके जगह कोई आप कोई दूसरे नेम भी ले सकते हैं, ये सिर्फ एक आइडेंटिफायर है, ओके। तो मेन जब भी आप कमांड लाइन आर्गुमेंट्स यूज करेंगे तो मेन फंक्शन को आप कुछ इसी तरह से डिफाइन करेंगे कि उसके अंदर ये दो आर्गुमेंट जरूर आप डिफाइन करेंगे, ओके। अब जानते हैं इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ये आपने देख लिया कि मेन फंक्शन ही कमांड लाइन आर्गुमेंट्स को हैंडल करता है। कमांड लाइन आर्गुमेंट्स वो पैरामीटर या आर्गुमेंट्स हैं जब आप किसी प्रोग्राम को कमांड लाइन के थ्रू कॉल करते हैं तो कमांड लाइन पे जिन आर्गुमेंट्स को आप पास करते हैं उन्हें ही हम कमांड लाइन आर्गुमेंट कहते हैं। कमांड लाइन आर्गुमेंट्स के थ्रू आप प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं फ्रॉम द आउटसाइड, ओके। और आर्ग सी के पास क्या होता है? टोटल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स। तो उस एरे के लास्ट इंडेक्स पर क्या होता है? एक नल पॉइंटर है, उस पे कोई एड्रेस स्टोर नहीं होता। जबकि आर्ग वी के जो जीरो इंडेक्स पर है वहां पे स्टोर होता है आपके प्रोग्राम का नाम, यानी कि आपने जो प्रोग्राम बनाया है सी प्रोग्राम, उस प्रोग्राम को आप जिस नाम से सेव करते हैं वो नाम आपका एरे के आर्ग वी एरे के जीरो इंडेक्स पे स्टोर हो जाएगा। और आर्ग वी एरे के वन इंडेक्स पे स्टोर होता है कमांड लाइन आर्गुमेंट का फर्स्ट आर्गुमेंट, ओके, जो आप पास करते हैं। आप चाहे तो एक से ज्यादा आर्गुमेंट्स आप पास कर सकते हैं, लेकिन आपने उनको सेपरेट करना होगा बाय द स्पेस। कोई भी दो आर्गुमेंट के बीच में सॉरी कोई भी दो आर्गुमेंट के बीच में आप स्पेस देंगे, ठीक है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप जो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं हो सकता है उसमें खुद में भी स्पेस हो, तो जैसे ही स्पेस आएगा तो ये दो आर्गुमेंट्स काउंट करेगा। लेकिन अगर आप जो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं उसमें खुद में भी एक स्पेस है तो आप क्या करेंगे कि उस आर्गुमेंट को आप डबल कोट्स के अंदर लिखें, तभी वो एक सिंगल आर्गुमेंट को काउंट होगा, ठीक है। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज कमांड लाइन आर्गुमेंट्स के बारे में। अब मैं आपको एक इसका प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल दिखाता हूं और ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो जाएंगे, ओके। सबसे पहले लिखते हैं हेडर फाइल फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं। उसके बाद मेन फंक्शन में आपको दो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं, पहला आर्गुमेंट आर्ग सी के नाम से और दूसरा आर्गुमेंट एक करेक्टर टाइप एरे ऑफ पॉइंटर है, तो मैंने नाम लिया आर्ग
वी के नाम से, यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया इंटीजर टाइप वेरिएबल सी, और जैसे कि आप जानते हैं कि इस एरे में और वी एरे में जो फर्स्ट आर्गुमेंट है वो जीरो इंडेक्स पे स्टोर होता है वो इस प्रोग्राम का नाम है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने इस प्रोग्राम को कमांड डॉट सी के नाम से सेव किया। मैं अगर इस प्रोग्राम नेम को प्रिंट कराना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रोग्राम नेम और आर वी, इसके जीरो इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो जाएगा। फिर मैं टोटल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। उसे प्रिंट कराने के लिए आपको यहाँ पर लिखना है आर सी वेरिएबल की वैल्यू आप यहाँ पर प्रिंट कराएंगे। फिर सभी आर्गुमेंट्स को जो भी आप कमांड लाइन पे पास करेंगे उन्हें प्रिंट कराने के लिए फॉर्मेट चलाता हूँ। सी वेरिएबल को मैंने जीरो से इनिशियलाइज किया और जब तक सी की वैल्यू इट्स लेस देन आर सी वेरिएबल, ओके, और सी को मैं इंक्रीमेंट करूंगा बाय 1। यहाँ पर यूजिंग प्रिंटर फंक्शन मैं प्रिंट करा देता हूँ एक एक जो भी आपके आर्गुमेंट्स आपने इनपुट किए, आर वी यहाँ पर सिंटैक्स का नंबर सी वेरिएबल से आपने लूप चलाया तो जिसमें इंडेक्स है वो सी पास करेंगे आप, उस पर्टिकुलर इंडेक्स पे जो भी आर्गुमेंट सेव है स्टोर है वो प्रिंट हो जाएगा। यहाँ पर मैं गेट से इस फंक्शन का यूज कर लेता हूँ। ओके, और सेव कर लेते हैं प्रोग्राम को। हमें इस प्रोग्राम को एक बार बिल्ड करना है, कंपाइल करना है, इस नाम से यहाँ पे बिल्ड कर लेता हूँ। अब उसके बाद इस प्रोग्राम को रन करने के लिए मुझे कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है, और जब मैं एग्जीक्यूट करूंगा इस प्रोग्राम को तो उस कमांड लाइन पे मुझे आर्गुमेंट पास करने, ठीक है। तो उसमें पहले कमांड लाइन आर्गुमेंट ओपन कर लेता हूँ, सॉरी कमांड प्रॉम्प्ट। अब मुझे उस लोकेशन पे जाना है जहां पर मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया है। मैंने डी ड्राइव पर और एक माई प्रॉग नाम का एक फोल्डर बनाया, वहां पर मैंने इसको सेव किया है। मैंने इस प्रोग्राम को सेव किया कमांड डॉट सी के नाम से, तो आप इसको रन कर सकते हैं। मैं प्रोग्राम का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। अभी देखिए मैं इसमें कोई आर्गुमेंट पास नहीं कर रहा हूँ, तो जब आप यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं तो आपको प्रिंट कर रहा है प्रोग्राम नेम कमांड टोटल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स वन, और जो कि स्टोर हुआ है आर्ग्स वी एरे के जीरो इंडेक्स पर, जो कि आपके इस प्रोग्राम का नाम है, ठीक है। तो अगर आप कोई आर्गुमेंट पास नहीं करते हैं तो बाय डिफॉल्ट एक आर्गुमेंट होता है जो कि इस प्रोग्राम का नाम है। मैं इस प्रोग्राम को दोबारा रन करता हूँ, कमांड लिखता हूँ और यहाँ पर मैंने लिखा गुड हेलो हाउ आर यू, तो टोटल मैंने इसमें 5 आर्गुमेंट पास किए। पहला तो फाइल नेम हो गया, प्रोग्राम नेम, और बाकी के 4 आर्गुमेंट मैंने इसमें लिखे। मैं एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पर ये दिखाएगा आपको प्रोग्राम नेम इज कमांड टोटल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स 5 और जीरो इंडेक्स पर फाइल नेम प्रोग्राम नेम स्टोर है, उसके बाद हेलो हाउ आर यू ये स्टोर है, ठीक है। एक पॉइंट दोस्तों मैंने आपको बताया था कि हमने जितने भी आर्गुमेंट आप पास कर रहे हैं उनको स्पेस दे करके आप सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके जो आर्गुमेंट पास कर रहे हैं उसको खुद में अगर स्पेस है तो उसे आप कैसे करेंगे, उस आर्गुमेंट को आप डबल कोट्स में लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, मान लीजिए हेलो और ये हाउ आर यू, ये एक आर्गुमेंट है, तो मैं इसको एक ही साथ डबल कोट्स में लिख देता हूँ। अब ये एक आर्गुमेंट काउंट होगा, तो टोटल आपके 3 आर्गुमेंट हो गए, ठीक है। आप देख सकते हैं प्रोग्राम नेम कमांड टोटल नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स 3, जो पहले 0 इंडेक्स पर है कमांड, 1 इंडेक्स पे हेलो और सेकंड इंडेक्स पर आ गया हाउ आर यू, तो अगर आपके आर्गुमेंट में स्पेस है तो उसे आप डबल कोट्स में जरूर लिखें। तो यही थी दोस्तों आज की वीडियो। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका टॉपिक क्लियर हो गया है।
फिर भी अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपकी कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।